महेश अहमदीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बिहार में एक दरोगा का ठाट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को जो भी देख रहा है उसके होश उड़ जा रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में दरोगा थाने में ही महिला से मालिश करा रहा है। आप देख सकते हैं कि वीडियो में उसने अपने कपड़े भी उतार रखे हैं और अब मालिश करते हुए इन जनाब का वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी तहलका मचा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद एसपी लिपि सिंह ने उसे निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस समय यह वीडियो काफ़ी वायरल भी हो रहा है और इस वीडियो में जो दिख रहा शख्स है वो दरोगा है। दरअसल उसने थाने में ही महिला से तेल मालिश करवाई। खबरों के अनुसार यह मामला सहरसा के नवट्टा थाने का है। दरोगा शशिभूषण सिंह से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है और एसपी ने इसे सस्पेंड भी कर दिया है। जिस महिला से ये दरोगा तेल मालिश करा रहा है वो किसी केस की पैरवी करने के सिलसिले में थाने आई थी। इस दौरान दरोगा भूषण सिंह ने मजबूरी का फायदा उठाते हुए महिला से अपने बदन पर तेल मालिश करवाया और जब तेल मालिश ये करवा रहा था उस वक्त वो मोबाइल फ़ोन से किसी से बात भी कर रहा था। हालांकि इस कुकृत्य के लिए एसपी ने उसे लाइन हाजिर करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई चलाने के निर्देश भी दिए। जो कि काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था और ये तत्कालीन थानाध्यक्ष डरहा आरोपी शशिभूषण सिन्हा का था। इसकी सत्यता की जांच करने के लिए एसडीपीओ सदर को भेजा गया और ये मामला संज्ञान में आया कि शशिभूषण सिन्हा जो वहाँ पे पदस्थापित थे, एक रेप केस हुआ था 16-22 डरहा आरोपी में। उसका जो प्राइमरी अक्यूज्ड है उसकी मदर के कहने पे एक वकील से 10,000 में बेल लेने की बात कर रहे हैं। साथ में जिस तरीके से वो बैठे हुए हैं या जो उनका आचरण है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है या जो भी वो करवा रहे हैं, वो एक कंप्लीट अनुशासनहीनता उद्दंडता का की को परिभाषित करता है तथा एक अच्छे पुलिस पदाधिकारी का जो आचरण होता है वो उसके एकदम विपरीत है। मामले का संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और पुलिस केंद्र सहरसा में अविलंब योगदान देने के लिए कहा गया है तथा डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट की गई है। ये ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं पुलिस की छवि को धूमिल करते हैं और हमारी जो इसके ऊपर हमारा जो एक्शन है वो कंप्लीट जीरो टॉलरेंस का है और इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं तो हमारा एक्शन बहुत स्ट्रांग रहा है और रहेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरीके की चीज़ें आगे हम लोगों के संज्ञान में ना आए या और जिससे कि पुलिस की जो छवि है वो खराब हो।